शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गौरव अगर मेरा नहीं तो फिर किसी का हो नहीं सकता। कहना हमारी बेटी हमारा अपना खून है। माथे पे सिंदूर रहे ना रहे लेकिन हम इस सड़क के धूल को अपने माथे पे नहीं लगाएंगे। कहना बीवी है हमारी। कहना बिटिया तुम इस घर में एक नाजायज बेटी बनकर आई थी और आज इस घर में इस घर की जायज बेटी बनकर प्रवेश करोगी। जब हमारा मन उदास होता था ना तब तुम हमें कुछ ना कुछ बनाकर खिलाते थे। आज हम भी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाए। तुम्हारे मनपसंद मालपुए। चलो जल्दी से चक्कर बताओ कैसा बना है। मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो। अच्छा बना है ना। देखो बहुत मन से बनाया है हमने। बताओ कैसा लगा। अच्छा। अच्छा है ना। कहीं तुमने हमारा मन रखने के लिए तो नहीं बोल दिया अच्छा बना है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी खाकर देखते हैं। नहीं नहीं गौरव ये तुमने हमारे लिए बनाए हैं तो हम ये से खाएंगे। तुम्हें नहीं देंगे। अरे चखने तो दो कम से कम। हम तुम्हें सुनने तक नहीं देंगे। हम ही खाएंगे सारा। तुम तो बहुत चटोरी हो गई हो। हाँ तो हम ही इसे चट कर जाएंगे सारा। गौरव नहीं गौरव। तेरी की हमने शक्कर की जगह इसमें नमक डाल दिया। इतना नमक से भरा ये तो तुम्हें अच्छा कहां से लगा। ये मैंने हमारे लिए दिल से बनाया था ना इसे। तो दिल तक इसका स्वाद जाना ही था। गहना क्या हुआ। क्या यार इतने मन से मालपुए बनाए थे। हमें लगा था तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा पर ये खाकर तो। देखो ना गौरव हमारी जिंदगी भी मालपुए जैसी बन गई है। तो हमारी मनपसंद लेकिन मीठे की जगह बहुत ही नमकीन। अब हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी एक अधूरापन। अधूरापन हम पूरा करेंगे। गौरव हम पर इससे पहले भी घर में हमला हो चुका है। तुम वहां मत जाओ खतरा है। गौरव कहना हमें कुछ नहीं होगा। गौरव नहीं गौरव। गौरव गौरव क्या हुआ। कौन था वहां। तुम पर पहले भी हमला हो चुका है क्या ना। इसका मतलब कोई इसी परिवार से इसी घर से। पर घर के अंदर तो कोई नहीं आया फिर कौन हो सकता है। ये चाकू गौरव के हाथ में। Thank you.
मेरा चाकू तो यहाँ है, तो फिर गहना पे अटैक किसने किया? मतलब इस घर में कोई और भी है जो गहना को मारना चाहता है, पर कौन? हाँ, हम मारना चाहते हैं गहना को। क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगी हमें चैन नहीं मिलेगा। चैन की जगह तुम्हें सजा ना मिल जाए, दो बार कोशिश कर चुकी हो तो, और अगर तीसरी बार पकड़ी गई तो? जो प्रॉब्लम खुद ही दूर हो रही है उसके लिए खुद के लिए प्रॉब्लम क्यों खड़ी करनी? गहना का गौना होने जा रहा है गौरव के साथ, तो समझ लो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थोड़ा दिमाग लगाओ श्लोक, उर्वशी पापा की परी थी, अब भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पापा ने गहना के आगे उर्वशी के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो हमारे बारे में क्या खाक सोचेंगे? वो गौरव और गहना को कहीं नहीं जाने देंगे। पापा ने नई विल बना ली है और उस विल में सबसे ऊपर गहना का नाम है। गहना को इस घर से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गई, तो अब उसे इस दुनिया से जाना होगा। प्रणाम पंडित जी। कल्याण मस्तु, आइए विराजिए। कन्या की लग्न कुंडली में राहु छठे स्थान में है और तीसरे स्थान को देख रहा है। पंडित जी इतना क्या खंगाल रहे हैं आप, एक आध दिन में कोई मुहूर्त निकाल दीजिए, वैसे भी विदाई की जल्दी है। हम जी ठीक, कल करवा चौथ है और करवा चौथ के ठीक दो दिन बाद विवाह का उत्तम मुहूर्त बन रहा है। मतलब तीन दिन और बर्दाश्त करना होगा। हमारा मतलब है तीन दिन खुशियों के लिए इंतजार करना होगा। आपके हाथ के इस कांटे की तरह आपके रास्ते के हर कांटे को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं उर्वशी दीदी। जब हमारा दुश्मन एक है तो सोच भी एक ही होनी चाहिए, और वो है गहना की बर्बादी। शादी में अभी तीन दिन बाकी है और इतना समय काफी है गहना को ग्रहण लगाने के लिए। तो बोलिए उर्वशी दीदी, कर लें गठबंधन?
खून भले ही एक है पर मोहब्बत को एक कभी नहीं होने दूंगी। वादा करती हूँ कहना, तुम्हारा गौना कभी पूरा नहीं होगा। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।